हेलो भाइयों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका फिर से एक और हमारी नई वीडियो में स्वागत है। जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच मैच होने वाला है। मैच विनर साउथ अफ्रीका रहने वाला है। तो भाइयों, कल अपना ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच जीत लिया श्रीलंका के खिलाफ, और जिस भाई को ग्रुपों के अंदर लॉस कवर करना है वो मैं बता दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी जाके आपको लिंक ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको मेरी प्राइम मेंबरशिप लेनी है। प्राइम मेंबरशिप लेने के बाद आपका जितना भी लॉस है वो सारा लॉस कवर हो जाएगा प्रोबो के अंदर भाइयों। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं आज वाले मैच की। मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच। मैच होगा धर्मशाला है ग्राउंड के अंदर, तो बहुत ही छोटा ग्राउंड है और बैटिंग पिच भी है वहाँ पे, तो नीदरलैंड भी थोड़ा फाइटिंग कर सकता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वरना साउथ अफ्रीका तो भाई वो सीधा ही मैच जीतने वाला है, मैं आपको बता दूँ। तो चलिए हम बात करते हैं इवेंट की। यहाँ पे क्या 5 ओवर में 30 रन बना पाएगा साउथ अफ्रीका? 5 ओवर में 30 रन साउथ अफ्रीका नहीं बना पाएगा, इसे आप नो कर लीजिए। 3 ओवर में 20 रन बना पाएगा साउथ अफ्रीका? ये भी नहीं बना पाएगा, नो कर लीजिए इसे भी साउथ अफ्रीका। 50 रन वाला बना पाएगा, तो 8 रेट का तो आप लगा सकते हो तो लगा लीजिए भाई, क्योंकि हाई रेट का है, इसके अंदर प्रॉफिट कम होगा और कमीशन आपका ज़्यादा कट जाएगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लगाना चाहोगे या नहीं लगाना चाहोगे। बात कर लेते हैं एक और इवेंट की। यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 रन बना पाएगा 10 ओवर में नीदरलैंड? नीदरलैंड 50 रन नहीं बना पाएगा, इसको भी आप नो कर लीजिए। यहाँ पे साउथ अफ्रीका क्या 10 ओवर में 2 विकेट ले पाएगा? साउथ अफ्रीका 10 ओवर में विकेट दो शायद ही ले पाए, एक तो ले लेगा, क्योंकि 5 ओवरों में एक नहीं ले पाएगा, फिर 10 ओवर का आ जाएगा ना एक का, तो वो आपको यस कर लेना, वो साउथ अफ्रीका विकेट जरूर ले लेगा, इस बात का आपको ध्यान में रख के चलना है। शमसी को यहाँ पे आप मौका मिल सकता है, बिल्कुल मौका शमसी को यहाँ पे बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि बॉलिंग पिच है थोड़ी स्पिनर्स के लिए, तो मदद मिल सकती है, तो शमसी को मौका मिल जाएगा जरूर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीदरलैंड ये 8 रेट का लगा सकते हो, तो नो ही होगा ये, आप लगा सकते हो तो ट्राई कर सकते हो। 5 ओवर में 30 रन नीदरलैंड नहीं बना पाएगा, इसे भी आप नो कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग करेंगे रबाडा और लुंगी एनगेडी, जो आपको पता है कितने खतरनाक बॉलर हैं, वो पता ही आपको। साउथ अफ्रीका के 5 ओवर में 1 विकेट ले पाएगा, इसे आप थोड़ा लो लिमिट से नो कर लीजिए, नहीं ले पाएगा, वरना वो पता ही आपको कितनी खतरनाक बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा 4 अफ्रीका, और कोटेज को यहाँ पे क्या मौका मिल रहा है? शमसी और इनमें से एक प्लेयर खेलने वाला है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तो मैंने शमसी का ये सब बोल किया है, तो इसे आप थोड़ा नो कर सकते हो। क्या खिला भी सकता है साउथ अफ्रीका? क्योंकि इन्हें क्योंकि पिच के हिसाब से खिलाए जाएंगे, देखो जो पिच की रहेगी टीम मैनेजमेंट जो बोलेगा उस हिसाब से खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ नीदरलैंड 5 ओवर में 1 विकेट ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, 5 ओवर में 1 विकेट नीदरलैंड। यहाँ पे देख सकते हैं नीदरलैंड 10 ओवर में 2 विकेट ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, 10 ओवर में 2 विकेट नीदरलैंड। सबसे ज्यादा छक्के साउथ अफ्रीका लगाने वाला केशव महाराज तो खेलने वाले हैं, तो 9 की रेट का ये तो कैसे भी करके आप यस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। यहाँ पे हम अगले इवेंट की बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका की तरफ से नीदरलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन कौन बनाने वाला है? डी कोक और एनी अदर प्लेयर, यानी क्लासन और एडम मार्कम बहुत लेट आते हैं, तो स्टार्टिंग में ही, या तो अगर पहले बैटिंग करेगा नीदरलैंड तो स्टार्टिंग में डी कोक और वो टेम्बा बुमा रन बना जाएंगे ज्यादा इनके लिए, तो इनमें मौका ही नहीं मिलेगा एडम आक्रम और एनरिक क्लासेन को। अगर पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है तो आप एडम आक्रम के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है भाइयों, बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड की हम यहाँ पे बात करेंगे एनी अदर प्लेयर और बेस डी लीडर के ऊपर हम बात करेंगे, ये दो प्लेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।